अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम निदा फातिमा। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेकेंड ईयर क्लास के केमिस्ट्री के इंतहाई अहम प्रैक्टिकल, कि वो कौन से प्रैक्टिकल हैं जो 2022 के पेपर का पार्ट बन सकते हैं और हमारे पेपर का पैटर्न क्या है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जो है वो मालूमात दूंगी कि किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल आएगा और किस तरीके से आपने इसको लिखना है, इसको रेडी करना है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड आपकी क्लास की जितनी भी वीडियोस न्यूज़ होंगी मैं वो इसी चैनल पर आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होगा, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि पेपर पैटर्न चेंज होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पेपर पैटर्न चेंज होगा, आपका पेपर पैटर्न वही होगा जो पहले जिस तरीके से आपका पेपर हो रहा था, ठीक है। तो उसमें आपको ये है कि बस ये करना है कि पहले आपको पार्ट वन में से भी आता था और पार्ट टू में से भी आता था, लेकिन इस साल जो है वो सिर्फ पार्ट टू के प्रैक्टिकल होंगे, इसलिए आपने पार्ट टू के प्रैक्टिकल पर फोकस करना है, ठीक है जी। 30 नंबर का टोटल आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा और क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का होगा स्टूडेंट, ठीक है। 3 क्वेश्चन टोटल आपको पेपर में आएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के 10 मार्क्स होंगे। इस तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, और पार्ट ए के भी 5 नंबर होंगे और पार्ट बी के भी 5 नंबर होंगे। तो इस तरीके से टोटल आपको 10 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से आएगा, ये भी मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद ये टोटल 25 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी नोटबुक चेक की जाएगी, नोटबुक के सिर्फ 2 मार्क्स है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे विवा के क्वेश्चन जो ना वो पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 3 नंबर के होंगे। इस तरीके से टोटल जो ना वो 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ और इसके साथ मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल जो है ना वो रेडी करने हैं, ठीक है जी। ये केमिस्ट्री का आपके साथ मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ, ग्रुप 1 का हुआ ये प्रैक्टिकल, ठीक है। उसमें देखें जी, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्ट वाले जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं उसमें से आएगा। तो सॉल्ट वाला इंतहाई अहम है, आपने सॉल्ट वाले अगर अच्छे तरीके से रेडी कर लिए तो उसमें से आपको 10 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा और इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। इसलिए सॉल्ट वाले जो आपके प्रैक्टिकल हैं आपको अच्छे तरीके से रेडी करने, आपको कोई भी सॉल्ट दिया जाएगा उसको आपने सॉल्व करना होगा। आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्ट ए बाय ड्राई एंड वेट टेस्ट, तो ये वाला आपने जो है ना वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप सॉल्ट वाले अच्छे तरीके से रेडी कर लेंगे तो आपका ये प्रैक्टिकल क्लियर हो जाएगा। अब जो दूसरा प्रैक्टिकल है आपका जी, उसमें आपको प्रिपरेशन पूछी जा सकती है। आपके 4 से 5 प्रिपरेशन वाले जो हैं वो आपकी बुक में मौजूद है प्रैक्टिकल्स, तो अगर आप उनको अच्छे तरीके से रेडी कर लेंगे, जैसे प्रिपेयर अ प्योर सैंपल ऑफ कॉपर, ठीक है, अमोनियम कम्प्लेक्स, ठीक है, इस तरीके से आपको किसी भी प्रिपरेशन के बारे में पूछा जा सकता है ए में और बी में भी, और ये बहुत छोटे भी हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लेंगे तो 10 नंबर आपको इनमें से मिल जाएंगे, कि दोनों के 5-5 नंबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक से पूछा जाएगा, जिसमें डिटेक्ट दी एलिमेंट प्रेजेंट इन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये कंपाउंड्स वाला आपसे पूछा जाएगा, उसके एलिमेंट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो ये वाले प्रैक्टिकल हैं इसमें से 5 नंबर का आएगा। तो अगर आप इस सीक्वेंस से रेडी करेंगे तो सॉल्ट वाला कर लेंगे तो 10 नंबर उधर से मिल जाएंगे, प्रिपरेशन कर लेंगे तो 10 नंबर उधर से मिल जाएंगे, ठीक है, तो 5 नंबर इसके मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको टोटल 25 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 2 नंबर नोटबुक्स के मिलेंगे और विवा में आपको कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंट बाज़ विवा में जो है ना वो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, आपका नेम क्या है, ठीक है, आपका रोल नंबर क्या है, आपने फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स जो है ना वो लिए हुए हैं, तो बस जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर शुरू में ही आप अच्छे तरीके से पूरी इतमाद होकर जवाब दे देंगे तो मे भी वो आगे आपसे क्वेश्चन पूछे ही ना, ठीक है। तो आपने पूरी इतमाद होकर जवाब देना है, डरना नहीं, घबराना नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना इधर से वो आपको कॉन्फिडेंट चेक करेगा। फर्स्ट आपने झूठ नहीं बोला, बहुत से बच्चे कह देते हैं कि हमारे इतने नंबर आए, वो आपसे रोल नंबर पूछ सकते हैं फर्स्ट ईयर का, आपसे नंबर पूछ सकते हैं, आपने सही सही बताना है, कॉन्फिडेंट के साथ बताना है, तो वो उसी जजमेंट से भी आपके मार्क्स जो ना वो प्रैक्टिकल में लगा देता है, ठीक है। तो आपने इस जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें फुल कॉन्फिडेंट के साथ जो है वो आपने जवाब देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बायोलॉजी के जो प्रैक्टिकल है वो शेयर करूंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।